बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की सेहत के बारे में अहम पहलू पे बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम इन मसाइल या अलामात का ज़िक्र करेंगे। अगर वो आपके बच्चे में मौजूद हैं तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाइए। सबसे पहले, अगर आपके बच्चे को स्कूल में वाइट बोर्ड सही नज़र नहीं आता या आपका बच्चा क्लास में आगे बैठता है, इसके अलावा अगर आपका बच्चा पढ़ाई या लिखाई करते वक्त ज़रूरत से ज़्यादा किताब या कापी को नज़दीक से देखता है, या अगर आपके नुजायदा बच्चा जिसकी उम्र 10-15-20 दिन है, उसकी आंखों से पानी आता है और सुबह उसकी आंखें चिपकी हुई होती हैं, अगर आपको लगे कि आपके बच्चे की एक या दोनों आंखें टेढ़ी हैं और अगर आपका बच्चा एक या दोनों आंखें पूरी तरीके से खोल नहीं सकता, इसके अलावा अगर आपके बच्चे की आंखें या आंखों वाला कोई एरिया किसी हादसे में या किसी वजह से ज़ख्मी हुआ हो और अब उसको नज़र में मसला हो रहा है, या आपका बच्चा टीवी देखने के लिए पहले से ज़्यादा करीब जाता है, इसके अलावा अगर आपके बच्चे के स्कूल से शिकायत आती हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहा और पहले से ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, इसके अलावा आपका बच्चा अपने हमूर बच्चों के साथ खेलना छोड़ दे, तो ये वो अलामत हैं या मसाइल हैं जिनकी मौजूदगी में फौरी तौर पर आपने अपने बच्चे को आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाकर चेक करवाना है।